भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं उदयपुर के स्वर्ण मिनिएचर आर्टिस्ट ने नमक के दाने से भी हल्की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है। उदयपुर शहर के इकबाल सक्का ने इस बार अपनी स्वर्ण कलाकारी दिखाते हुए एक पिच तैयार की है, जिसमें उन्होंने समुद्री नमक के दाने से भी छोटी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बैट, बल्ला और गोल्डन कप बनाया है। उन्होंने एक वृत्ताकार क्रिकेट ग्राउंड भी तैयार किया है, जिसके अंदर यह सारी ट्रॉफियां सजाई गई है। इकबाल सक्का ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और यह उम्मीद जताई है कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीते उसे यह ट्रॉफी गिफ्ट की जाए। इसके लिए इकबाल सक्का ने एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इकबाल सक्का स्वर्ण मिनिएचर आर्टिस्ट में अपना नाम कर चुके हैं और करीब 100 से भी अधिक स्वर्ण मिनिएचर कलाएं बनाकर 100 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नंबर की टीम है और इतना अच्छा खेल रहा है। ये सोच ये मेरे दिलो दिमाग में बात है कि हमारा देश जब इतना अच्छा खेल रहा है तो क्यों ना एक में दुनिया की सबसे छोटी वर्ल्ड कप और क्रिकेट बॉल स्टैम्प और गोल्डन कैप बनाकर मेरे देश को ये पेश करूं। और मैंने इस बाबत मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको मैंने पत्र लिखा है, खेल मंत्री को पत्र लिखा है कि जो भी टीम दुनिया में दुनिया की जीतती है उस टीम को हमारे भारत सरकार की तरफ से यह भेंट की जाए। लेकिन मैं पूरे जोश और जज्बे के साथ कह सकता हूँ कि हमने एशिया जीता है तो हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे और ये मान के चलो कि वर्ल्ड कप हमारा देश में ही रहेगा और मेरी जो कलाकृतियाँ हैं मेरी कलाकृतियाँ भी मेरे देश के ही खिलाड़ियों को ये मिलेगी।